कुछ मुद्राएं हैं इन चक्रों से रिलेटेड। अब जैसे हमारा लम है, जो हमारा सबसे पहला, जो हमारा रूट चक्र, हम लम जो हम यूज करते हैं, जब आप वो मेडिटेशन, देखो ये आपको जब आपको लगता है कि हाँ हमारे इस चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप उसका ज्यादा मेडिटेशन करो। जैसे मैंने अभी बताया कि आप, जैसे आप पानी, ग्लास के पानी में आप इस तरीके का स्टिकर वहां से निकाल के, गूगल से निकाल के उस पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़े बर्तन पे, या आप जैसे मटके का पानी, जैसे इसमें मैंने बोला कि मिट्टी का अर्थ एलिमेंट होना चाहिए, तो आप इसमें मटके का पानी यूज कर सकते हैं। मटके के पानी में आप उसको चिपका कर रख के रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपका अर्थ एलिमेंट भी पूरा होगा और आपको साथ में बीज मंत्र लम का भी फायदा। उसके अलावा आप सारे जितने भी हमारे बीज मंत्र हैं, उन सबको गूगल से सर्च कर सकते हैं और उनके पिक्चर्स लेकर आप कांच के ग्लास में या कांच का कोई जार है उस पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है तो आप रूट चक्र यूज कर सकते हैं। अगर आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है तो आप वम का बना सकते हैं। सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है तो आप ड्रम का बना सकते हैं। ऐसे अपने सारे चक्र का बनाकर आप उस पानी को पी सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के, जो मैंने आपको इंग्लिश मंत्र बताए ना, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया इसका थ्रॉट चक्र का, जैसे मैंने बोला आई एम, तो आप पानी का ग्लास ले और उस पे बोले आई एम। जैसे मैंने स्विचवर्ड अभी आपको बताया ना कि आपने बोलना है उसको 7 times, 7 बार बोल के 1 second के लिए, फिर 7 बार बोले, फिर 1 second रुके, फिर 7 बार बोले, फिर एक, इस तरीके से आई एम 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 आई एम, फूक मार के उस पानी को पी जाए, ठीक है। सभी चक्रास के लिए, किसी को भी जिस चक्र में प्रॉब्लम है, या फिर जैसे मैंने आपको बीमारियां बताई उससे रिलेटेड, अगर आपको कोई स्टमक में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो जैसे लीवर के लिए हमने बोला कि रम हम उसमें यूज करते हैं, सोलर प्लेक्सस, तो सोलर प्लेक्सस के जो हमारा स्विच वर्ड है उसको आप इस तरीके से पानी में बोल के पी सकते हैं। उसका हीलिंग नंबर आप अपने हाथ में लगा सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में तो हम सारे चक्रास का ही करेंगे, और लेकिन आप स्पेशल अलग से मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस मंत्र का जैसे 108 बार या 109 बार, मेरे हिसाब से मैं 109 बार ही सजेस्ट करती हूँ, तो आप उतनी बार उसका मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला का जाप ले सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी देवी देवताएं हैं आप उन देवी देवताओं के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी कुछ स्पेशल मुद्राएं हैं। जैसे हमारा रूट चक्र से है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखकर मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आपका सैक्रल चक्र से है तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखकर अपने नीचे वहां पे रखेंगे, अपने नेवल से नीचे रखकर कर सकते हैं। और अगर हमारा सोलर प्लेक्सस में है तो आप इस तरीके से रखकर अपने नाभि के पास में रख सकते हैं। हमारा यम का है तो यम का भी सेम प्रोसीजर है जो हमारे रूट चक्र में, वही है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। हम का है, हम का भी आप नीचे अपने, जैसे आपने थाइस के ऊपर रखकर आप इस तरीके से उनका मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे जैसे आपने दोनों हाथों को ऐसे बनाया, मुद्रा बनाई, ऐसे रखा और रखकर बोला हम हम हम, इस तरीके से भी आप उनका मेडिटेशन कर सकते हैं। या फिर आप जैसे इसमें हमने आपको बताया था, जैसे हमने आपको बताया था इसमें लॉर्ड शिवा, तो आप लॉर्ड शिवा का जाप कर सकते हैं। जो भी उनका जाप आप करना चाहते हैं, उनका बीज मंत्र हो गया या कोई भी, आप उस तरीके से इस मुद्रा में रहकर आप वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे हार्ट चक्र, इसी तरीके से हमारे सोलर प्लेक्स, वो सॉरी थर्ड आई, और इसी तरीके से हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का तो कोई मुद्रा नहीं है, क्राउन चक्र मैंने बोला ना कि उसको तो आप, मतलब वो अगर आपको खुल गया तो आप बस भगवान बन गए, समझ लो भगवान के समान आप हो गए, ठीक है।
मेरे क्वेश्चन हेलो। था मैम, जैसे मुद्राज हैं मैम, समझ लीजिए मैम, जैसे हम जैसे हाथ चक्र की मुद्रा है, तो मैम ये हमको ये नेवल के पास रख के ही करनी है मुद्रा, लाइक नेवल होता है और जैसे आप मुद्रा में बैठते हैं नॉर्मली जैसे, तो नॉर्मली जैसे आप बैठते हैं ना वैसे ही आप करेंगे। ठीक है, मतलब मैम ऐसा तो नहीं हाथ चक्र के ऊपर रख के करना है मुद्रा को, ऐसा तो कुछ नहीं है ना आप मैम? बैठते हैं, जैसे आप बैठते हैं वैसे ही आप करेंगे। अच्छा, उसी उसी और उसी मुद्रा में, मतलब हैंड की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। और मैम कितनी देर के लिए करना होता है मिनिमम? हम देखो 5 मिनट भी कर सकते हो, मिनिमम आपका मन करता है आप 10 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एज अ हीलर हो तो आप उसको हील भी कर सकते हो, मतलब जैसे हम लोग सिंबल्स डाल के वहां पर और अपनी मुद्रा बनाकर और अपने सिंबल्स को बनाकर भी हील कर सकते हैं अपनी थर्ड आई। मतलब हम ये विजुलाइज करेंगे जैसे हमने अपने हार्ट चक्र पर हमने अपना मुद्रा बनाई है, अपने हाथों की तो मुद्रा बनाई है, और हार्ट चक्र पे अपने सिंबल्स को ड्रॉ करके और विजुलाइज करके भी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी मर्जी देर, जितना आपको लगता है कंफर्टेबल है उतनी देर करो, ठीक है। धीरे धीरे अपनी बढ़ाते जाओ, जैसे पहले शुरू शुरू में 2 मिनट करो, फिर 4 मिनट करो, 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट करो, कम से कम 10 मिनट तो करो ही करो, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको कोई बहुत प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हो स्पेशल फॉर दैट चक्रा। बाकी 7 चक्रा की हीलिंग तो करो ही करो, लेकिन 10 मिनट स्पेशल उस चक्रा पर काम करो। और